Hey everyone, good afternoon and welcome to Wi-Fi Study, India's number one study channel. Umeed karta hoon bahut energetic baithe hoge. It's a marathon session. Marathon session mein baithne ke liye bahut sari himmat chahiye. Okay, haan, aaj hum log subah se saath hain. Because isse pehle maine abhi abhi ancient history ka marathon liya hai an academy pe. Yani ki maine abhi इससे पहले जो सुबह कवर किया है एंशिएंट हिस्ट्री को, वो हमने कवर किया फ्रॉम हड़प्पा टू महाजनपद या फिर मगध. अब हम करेंगे इसके बाद मौर्यास टू वर्धन शाम को 4 बजे. यानी कि आज का पूरा दिन रिवीजन डे है. सुबह एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करी, शाम को भी एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करेंगे. और अभी इस वक्त हम लोग करने जा रहे हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स, बेसिकली ऑक्टोबर के. स्पेलिंग बाहर गलत है, मैंने अभी अभी नोटिस करी, ऑक्टोबर लिखा है, उसे सही करा देंगे. ऑफर टूपर के हैं. ओके ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे आप लोग जुड़ते जाइए, थोड़ा टाइम इतना नहीं लूंगा क्योंकि लंबा सेशन जाता है. आई नो, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों को बता दूं गाइस, 6 महीने बचे हैं. ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं क्या इस समय प्रीलिम्स की तैयारी संभव है या मेंस की तैयारी संभव है. आंसर इज यस. देखो, कोचिंग में जाते हो तो एक टाइम पे एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे पूरे पूरे बैचेस चल रहे हैं. सुबह कोई और टीचर, शाम को कोई और टीचर, रात को कोई और टीचर. तो कहने का मतलब है सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उस वीडियोस का इस्तेमाल करके अपना कोर्स जल्दी कवर करके रिवाइज कर सकते हैं. सो ये बहुत सारे आपकी हेल्प हो जाएगी. तो प्लस कोर्सेज अगर आप अभी भी लेना चाहते हो तो यू कैन, एंड इस कोड को यूज करेंगे तो आपको पर्सनली मैं ट्रेन करूंगा आपके आंसर राइटिंग्स, आपकी सारी चीजें कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. ओके, 10% का डिस्काउंट भी है बॉस. चलो Let's begin. Here we go. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस पेपर 1. वही हमारी सीरीज चलेगी, जीएस पेपर 1, देन जीएस पेपर 2, देन जीएस पेपर 3. सो अक्टूबर के पूरे अक्टूबर के करंट अफेयर्स एक साथ हम लोग कवर करने जा रहे हैं. सबसे पहले शुरुआत हुई है हमारी कितनी बेहतरीन तस्वीर से और कितने बेहतरीन व्यक्ति के नाम से, भगत सिंह जी. तो भगत सिंह के बारे में सबसे पहले पढ़ते हुए शुरुआत करते हैं. 28 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी. ठीक है, इनका बर्थडे था तो वहां पे इनके बारे में हमें रिवाइज करना बनता था. ओके, इनकी लाइफ की स्टोरी बड़ी अजीब सी थी. पहले ये महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब अपना 1920 वाला आंदोलन 1922 में वापस लिया था चौरी चौरा कांड के बाद, तो भगत सिंह को बुरा लगा था. भगत सिंह को लगता था कि नहीं, ये एक अच्छा मौका था कि जहां हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे, तो उन्हें लगा कि गांधी जी को यहाँ बैक नहीं करना चाहिए था. उसके बाद से ये इन्होंने अपना ही एक आइडियोलॉजी, अपनी ही एक सोच लेके चलना स्टार्ट किया. ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. नॉट, उस समय इन्हें कोई जानता भी नहीं था, बस अपने ही लेवल पे. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद जब गांधी जी ने मूवमेंट विदड्रॉ किया तो ये बन गए रिवोल्यूशनरी, यानी कि इन्होंने विद्रॉ करना एक तरीके से शुरू किया. इनके अगर हम देखें क्या क्या किया, तो 1924 में कानपुर में ही बिकेम मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे स्टार्ट किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, 1925 भगत सिंह रिटर्न टू लाहौर और यहां पे उन्होंने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, इसका नाम था नौजवान भारत सभा 1925. डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे जरूरी है हमारे लिए क्रोनोलॉजी की. सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. 1928 एक फिर से जुड़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से, जिसके फाउंडर थे सुखदेव चंद्रशेखर और यही इसके हेड भी थे, यही सब इसे लीड भी कर रहे थे. भगत सिंह और सुखदेव दोनों ने मिलकर लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन बनाया, स्टूडेंट्स को जोड़ा और उन्हें मोटिवेट किया कि आप नेशनल स्टडी करें, अपने देश के बारे में ज्यादा पढ़ें रेदर देन वेस्टर्न एजुकेशन से. इन्होंने कौन कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करी, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करी जिसके वजह से काफी सारा इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो इनकी एक्टिविटीज में कुछ है. लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1929 में असेंबली में बॉम्ब फेंका था इन्होंने. बॉम्ब फेंकने के पीछे किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस ये बताना चाहते थे, लोगों को नींद से जगाना था कि लोग भूल गए हैं कि हमें आजादी चाहिए, तो एक बार पूरा मैटर न्यूज में आएगा, सब कुछ होगा, तो वो हुआ था. ठीक है, भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था यहाँ पे. सॉन्ड्रस का मर्डर भी इन्होंने किया, तो राजगुरु सुखदेव इन सबको पकड़ा गया और फाइनली 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई. तो 24 मार्च डेट हमें पता होनी चाहिए, शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है ये दिन, सर्वोदय डे. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी आजादी, इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, इनके लिए फ्रीडम का मतलब ब्रिटिशर्स से फ्रीडम नहीं,
ठीक है, इनके लिए ब्रिटिशर्स का फ्रीडम नहीं, इनके लिए फ्रीडम का मतलब था हर चीज से, लाइक आजादी, पॉवर्टी, गरीबी से, अनटचेबिलिटी से, कॉमनल स्ट्राइव से, जितने भी तरीके के भेदभाव हमारे समाज में होते हैं उन सब से आजादी की शुरुआत थी भगत सिंह की सोच। तो काफी अच्छी सोच थी। नेक्स्ट न्यूज, सेकेंड न्यूज है हमारी भारतीय स्क्रिप्ट। सेकेंड न्यूज है हमारी भारतीय स्क्रिप्ट। क्या है भारतीय स्क्रिप्ट, कैसे है? देखो अभी ये भारतीय स्क्रिप्ट के बारे में न्यूज में आया काफी सारा कुछ, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने कहा वन नेशन वन स्क्रिप्ट, एक ही नेशन है एक ही स्क्रिप्ट होगी, हम एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाएंगे जिससे इंसान कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ सकता होगा। ठीक है, चलो अच्छी चीज है, हमारे पीएम साहब बहुत कुछ नया 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 करते हैं। डेवलप बाय, किसने डेवलप करी? श्रीनिवास चक्रवर्ती, जो कि आईआईटी मद्रास में है। ठीक है, भारती क्या है? भारती इज अ सिंपल यूनिफाइड स्क्रिप्ट, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बहुत सिंपल है जिसे कोई भी राइट कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन कैसे करी गई है? बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को मिक्स करके से डिजाइन किया गया है। कौन कौन से स्क्रिप्ट सपोर्टेड है इसके लिए, लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे पीएम साहब ने कहा कि जब एक देश है तो स्क्रिप्ट भी एक होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो वो इंडियन लैंग्वेजेस की एक अलग स्क्रिप्ट देखे, तो ये वाली स्क्रिप्ट को प्रमोट करने का काम शुरू हो सकता है कभी भी। थर्ड न्यूज है हमारी सावंतवादी टॉयज। सावंतवादी टॉयज बेसिकली लकड़ी की जो होते हैं उनके टॉयज होते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, पता नहीं आपको दिख रहा हो या नहीं, तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है एक बुलेट जो कि लकड़ी से बनाई गई है, सामंतवादी टॉयज। अभी क्या था ये महाराष्ट्र में, अभी इस टॉयज के हमने एक वो देखे पोस्ट कार्ड पे, एक इसका स्टाम्प यूज हुआ तो ये न्यूज में आया थोड़ा सा, सावंतवादी टॉयज 1 अक्टूबर को न्यूज में था। तो इस टॉयज को रिवाइज कर लेते हैं, क्या है? इट रिफर्स टू द हैंडमेड। ठीक है, हैंडमेड है जो कि लकड़ी से बने होते हैं। कहां पर है फेमस? महाराष्ट्र में फेमस है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ बिल्कुल सही, चटपटनम टॉयज हमने इससे पहले करे थे। देन क्राफ्टमैन जो इसे बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं चित्तारी कम्युनिटी, यानी कि चित्तारी कम्युनिटी इसे बनाने में योगदान देती है। दैट्स इट, छोटी छोटी सी न्यूज आती है जीएस पेपर वन में। नेक्स्ट न्यूज, पाकुर हनी। पाकुर हनी शहद, ये क्या होता है? ये 100% एक नेचुरल हनी है, ठीक है, जो कि ढूंढ के लाते हैं संथाल ट्राइब। याद करो इन दिनों क्विज में आपको संथाल ट्राइब्स का नाम बहुत बार पढ़ने को मिला, संथाल ट्राइब। ठीक है, और कौन सी ट्राइब है? पहाड़िया ट्राइब, कहां से? झारखंड में। संथाल ट्राइब भी हमारे झारखंड में ही मिलता है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्राइबल्स, संथाल कम्युनिटी जो कि पाकुर शहर की है झारखंड, उसने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यूज किया है कि हम शहद से कैसे बिजनेस कर सकते हैं, बी कीपिंग से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। मधुमक्खी को पालो, शहद बनाओ, इस शहद को बेचो, यानी कि आप बिजनेस कर सकते हैं एक तरीके से बी कीपिंग का, तो बहुत अलग अलग तरीके से। और ये जो पाकुर हनी है ये मधुमक्खी के शहद के साथ साथ इसमें फ्लोरल यानी कि फ्लावर्स की भी कुछ क्वालिटीज को डाला जाता है ताकि इसे अलग रखा जाए। नेक्स्ट है हमारे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020, सो 2020 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो मिला है वो मिला है यूएस की एक पोइट लुइस ग्लक को, लुइस ग्लक। ठीक है, इनकी वॉइस के चक्कर में जिस तरीके से ये अपनी पोएम्स को एक्सप्रेस करती हैं। सो नोबेल प्राइज लिटरेचर कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश किया था एल्फ्रेड नोबेल ने इन 1895। ठीक है, ये एक अवार्ड है जो बाकी अवार्ड दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सब हमने आई थिंक सितंबर में इनके नाम करे हैं, शायद इसमें होंगे तो यहीं आ जाएंगे। ओके, नोबेल प्राइज में इन्हें मिलता है मेडल और 10 मिलियन स्वदेश करेंसी। अगर मैं लुइस ग्लक की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1943 में न्यूयॉर्क में। इनकी पोइट्रीज है वो फोकस करती है पेनफुल रियलिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, अच्छे इंसानों की लाइफ में जो संघर्ष होता है उसे पूरा अच्छे से दिखाती हैं। डीलिंग विद द थीम्स, थीम्स इनके में क्या क्या होती है? डेथ, चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ, ये सारी चीजें। शी इज द फोर्थ विमेन, चौथी महिला है जिन्होंने कभी लिटरेचर प्राइज जीता है 2010 के बाद से। एंड लास्ट अमेरिकन जिन्होंने जीता था ये प्राइज वो थी बॉब दल्यान,
नाम ये छोटे छोटे याद रखने हैं, ठीक है। ग्लक इससे पहले 1993 में पुलित्जर प्राइज भी जीत चुकी हैं और नेशनल बुक अवार्ड भी जीत चुकी हैं 2014, ठीक है। ये बेस्ट चीज है, आपके पास पूरा डेटा एक जगह पे है तो इसका प्रॉपरली यूज करें और इसे अच्छे से याद रखें। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहां पर है, क्या है, कैसे है, लोकेटेड है कहां पर, तंजानिया में। इसकी लोकेशन डेफिनेटली हम देखेंगे, जो कि अफ्रीका की टॉलेस्ट माउंटेन है, अफ्रीका की टॉलेस्ट माउंटेन है। इट इज द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज द वर्ल्ड। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का मतलब क्या होता है, यूजुअली जो माउंटेन्स होती हैं वो ऐसे चेन में खड़ी होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं सपोर्ट में। ये तंजानिया की जो माउंट किलिमंजारो है, बीच में ऐसे खड़ी है अकेली, आसपास कुछ नहीं है, बीच में अकेली खड़ा है, यानी कि सिंपल सी चीज है कि लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है जो कि वर्ल्ड में खड़ी हुई है, ठीक है। किलिमंजारो एक वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो है। कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है जरा देखते हैं। कंपोजिट वोल्केनो इस तरीके का वोल्केनो होता है, कंपोजिट वोल्केनो इस तरीके का वोल्केनो होता है जो ऊपर से इस तरीके से बस्ट होगा, यहां यहां से निकलेगा, ठीक है। दिस इज द कंपोजिट वोल्केनो जिसका ये पूरा वोल्केनो है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, यहां तो मैंने एक इमेज दी है डेफिनेटली बस। ओके, द माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज, ये माउंटेन और भी फेमस है, इसके ऊपर स्नो कैप्ड पीक है, ठीक है, जो कि कहा जा रहा है अगले 20 साल में गायब हो जाएगी। जरा सोचने वाली चीज है, इसके नीचे वोल्केनो है और ऊपर स्नो, क्या बात है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 20 साल में ये खत्म हो जाएगी, तो ये न्यूज में भी है। ये हमारी लोकेशन है तंजानिया की, आई थिंक आई होप मेरी फोटो के पीछे ना छुप रही हो। अफ्रीका के अंदर एक देश है, ठीक है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है। इसकी पूरी आप लोकेशन याद रखना, याद करो हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा था, ये रहा, हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा था जिसमें जुबोती, अर्थ्रिया, ये सारे इथियोपिया और सोमालिया ऐसे देश देखे थे, उसके जस्ट नीचे है तंजानिया, जस्ट नीचे है तंजानिया। इसकी लोकेशन को एक बार और भी स्टडी करिएगा सो दैट आपको और ज्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट, विज्ञान ज्योति, विज्ञान ज्योति ये लॉन्च कब हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था जितनी भी हमारे देश में मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, यानी कि वो लड़कियां जो मेरिट लिस्ट में आती है हाई स्कूल की, उन्हें कहा जाए कि बेटा परस्यू करो साइंस टेक स्टेम, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इन चार स्ट्रीम से फोकस कराना लड़कियों का, यानी कि गर्ल्स का इन चार स्ट्रीम से फोकस कराना। आई डोंट नो व्हाई बट हमारे देश में एक सोच बनी हुई है कि गर्ल्स के लिए आर्ट्स अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा टीचर बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब वो समय नहीं है कि एक प्रोफेशन पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या एक कास्ट या एक क्रीड, एक जेंडर के लिए रह गया हो, अब समय बदल चुका है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड कि भाई हम ऐसा करें, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन को खींच करके, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन को हम लोग डाइवर्ट करें इस फील्ड में, यानी कि स्टेम में। स्पेशली जब से हमारे मोदी जी आए, उन्होंने स्टेम शब्द को बहुत ज्यादा फेमस करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस प्रोग्राम में जो गर्ल्स को कवर किया जाएगा वो 9th to 12th की लड़कियों को किया जाएगा, ओके। ये प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय। न्यूज में क्यों है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड IBM इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया कि हम लोग कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं ऑन विज्ञान ज्योति एंड एंगेज विद द साइंस, विज्ञान परसर में। ये छोटा सा काम था इसका, आगे भी होगा इसका। अब विज्ञान प्रसर क्या होता है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक के अंदर। इसका काम है कि साइंस को पॉपुलराइज किया जाए, साइंस को पॉपुलराइज किया जाए, साइंस को ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध किया जाए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है। साइंस के साथ इंगेज किया जाए। अब इंगेज विद साइंस क्या है भैया, इंगेज विद साइंस क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि बनाया गया था इंडियन साइंस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्लेटफॉर्म, हमने करप्शन में एक चीज तो पढ़ी ली है कि हमारे यहाँ स्कीम्स बहुत है, हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स बहुत है, एक के अंदर एक चीजें रखी हुई हैं तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यानी कि इसका टारगेट क्या है कि हम एनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कि वो साइंस एंड टेक चलाएं। अब आप मेरे को बताइए, ये भी एनकरेज कर रहा है, वो भी एनकरेज कर रहा है, वो ये केवल सबको कर रहा है, वो लड़कियों को कर रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस अलग अलग नाम से नई नई चीजें लाकर
बस ये है कि एक तरीके से कुछ ना कुछ चलते रहना। नाउ कम टू द मेडिटेरेनियन सी। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, बट डेफिनेटली हमारा कंटेंट बहुत सारा है। चलो स्लो, थोड़ा लिमिटेड चलते हैं, देखी जाएगी, है ना, जो नहीं हुआ दोबारा क्लास लग जाएगी। मेडिटेरेनियन सी क्या है? ये कनेक्ट करता है हमारा, ये देखो, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। आप नीचे लोकेशन देखो, यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जैसे देश हैं, इधर टर्की जैसा देश है, ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस है हमारा, इधर इटली है, ये बड़े बड़े देश ऊपर हैं, फ्रांस है, स्पेन है, मोरक्को है, तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आता है हमारा मेडिटेरेनियन सी। सो मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन से, सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन बेसिन, ऑलमोस्ट एनक्लोज बाय लैंड, जैसे कि हमने देखा हर तरफ से जमीन के बीच में है ये, ठीक है। ऑन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में हमारा आता है साउथ यूरोप, अंतोलिया, अनाटोलिया, एंड साउथ में आता है नॉर्थ अफ्रीका, जो कि अभी हमने देश देखे कौन से, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि यहां से इतने शिप्स निकलते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक लग सकता है शिप का, ठीक है। नाउ कम टू द चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट के बारे में हमें पता है, ईरान के वजह से न्यूज में रहता है। तो चबाहर पोर्ट हमारा कहाँ पे है? लोकेटेड इन ईरान, बिल्कुल कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान के पास, गल्फ ऑफ ओमान के पास, स्ट्रेट ऑफ हरमूज के पास। इन सब की लोकेशन आपको एक बार देखनी होगी। ये देखो हमारा, ये रहा, कहाँ गया मेरा पेन, नहीं चलता। चबाहर पोर्ट इंडिया ने ही ये बनवाया है, देखो बिल्कुल यहां से इंडिया अफगानिस्तान में भी अपना सामान भेज सकता है। इंडिया को पाकिस्तान की नीड नहीं है, इंडिया को पाकिस्तान की नीड नहीं है, यहां से जाके यहाँ भी अपना सामान भेज सकता है घुमाकर, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, गल्फ ऑफ ओमान की लोकेशन देख लो, और ये ग्वादर पोर्ट जो दिख रहा है, ये ग्वादर पोर्ट है, ये चाइना ने बनवाया है पाकिस्तान में, यानी कि इधर बिल्कुल हमारे ये है पोर्ट, और इधर ग्वादर पोर्ट बनवाया गया है चाइना द्वारा पाकिस्तान में। ये दोनों पोर्ट्स की लोकेशन देखो आप, बिल्कुल पड़ोस में ले जाके दोनों को बिठाया गया है कि किस तरीके से इन दोनों का काम चलेगा, यानी कि चाइना ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी सेट रखी है पाकिस्तान में, इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी सेट रखी है ईरान में। इसीलिए ईरान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशियन, एक लौता पोर्ट है जो इंडिया ओशियन से डायरेक्टली कनेक्ट है, और तो और अफगानिस्तान के पास है, कंट्रीज लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के पास है, इन सब के साथ इंडिया का ट्रेड करने में हेल्प कर सकता है ये पोर्ट। ओके, नाउ कम टू द किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इट इज द लैंडलॉक सेंट्रल एशियन कंट्री, लैंडलॉक, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है। इसे सेंट्रल एशिया की ओनली डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। कैपिटल है इसकी बिश्केक, कैपिटल क्या है इसकी? बिश्केक। ओके, शेयर लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना, बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं, और चाइना यहाँ पर काफी रोड और रेल नेटवर्क्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, स्कॉच अवार्ड, स्कॉच अवार्ड, दिस इज नॉट एससीओ, दिस इज स्कॉच अवार्ड, अच्छा वो एससीओ, हाँ किर्गिस्तान से एससीओ याद आ जाता है, बिल्कुल सही। नाउ कम टू द स्कॉच अवार्ड, अभी क्या हुआ रिसेंटली, द 10 सूत्र प्रोग्राम इसने नॉमिनेट हुआ ये स्कॉच प्रोग्राम के लिए, यानी कि ये जो प्रोग्राम है स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। लेकिन स्कॉच अवार्ड क्या है? स्कॉच अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2003 में, उन लोगों को शाबाशी देने के लिए जो अपनी लाइफ में एक कदम आगे जाते हैं, जो अपनी लाइफ में एक कदम आगे जाते हैं, अपनी लाइफ में एक बेटर नेशन बनने की तरफ जाते हैं। ये एक हाईएस्ट इंडिपेंडेंटली सिविलियन ऑनर है, यानी कि किसी सिविलियन को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑनर है। 66 होना है 2020 में, जो कि हो गया, ठीक है। इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, इसका टाइटल था, इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। हमने डिजिटल गवर्नेंस की मदद से कोविड को किस तरीके से हराया है, तो उसमें नॉमिनेट किया गया था 10 सूत्र प्रोग्राम को। अगर मैं अब 10 सूत्रास की बात करूं तो ये क्या है, 10 नॉर्म्स अवॉर्ड, इसको इंग्लिश में बात कीजिए 10 नॉर्म्स है, जो कि लेकर आए थे SPCT कहाँ के, सिद्धार्थ कौशल, जो कि इस चीज को इन्होंने प्रमोट किया था। देखो कई बार IPS के नाम ऐसे अच्छे जगह पे आते हैं, बहुत खुशी होती है कि IPS कुछ नया कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं,
इवन जैसे राजस्थान का वो शहर था भिलवाड़ा, उसे बहुत ज्यादा स्प्रेड किया गया, तो क्योंकि स्टार्टिंग में कोविड टाइम में उस शहर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो वहां पे नाम प्रमोट हुआ, काफी सारे आईएएस ऑफिसर्स का भी नाम आया, तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, सो सिद्धार्थ कौशल ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम पुलिस वालों को बचाएंगे कोविड-19 से। इन्होंने कहा पुलिस वालों को हम बचाएंगे कोविड-19 से, और पुलिस पर्सनल को सेफ करने की इन्होंने टारगेट करी। तो इन्होंने एक चीज कही कि इस प्रोग्राम के तहत अब ये मैंडेटरी है कि दो पुलिस वाले थाने के बाहर एक टेंट में बैठेंगे, दो पुलिस वाले थाने के बाहर एक टेंट में बैठेंगे और वहां बैठकर लोगों की कंप्लेन सुनेंगे, यानी कि एक तरीके से रिसेप्शन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति आएगा नहीं अंदर, व्यक्ति आएगा नहीं आपके स्टेशन के अंदर, ये कुछ कानून इन्होंने बनाए। नाउ काकाती देवी टेम्पल, काकातीय डायनेस्टी के बारे में है ये, देवी टेम्पल, काकाती देवी टेम्पल जो है ये रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, क्योंकि इसे अभी हमने थोड़ा सा बदल दिया है। सो काकाती देवी टेम्पल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन अबोड ऑफ लोकल गॉडेस बलू सुलमा, ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसे थोड़ा सा हमने चेंजेस में देखे हैं। किसने बनवाया था ये टेम्पल, बिल्ट बाय एम्परर गणपति देवा, जो कि रूलर थे काकातीय डायनेस्टी के 13th सेंचुरी में। गणपति देवा पहले किंग थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस की काका देवी की पूजा आंध्र रीजन में, यानी कि आंध्र प्रदेश में पहली बार, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पहली बार हमने देखा कि काकाती देवी की पूजा स्टार्ट हुई। काकाती देवी किस तरीके की मूर्ति है, क्या है, ये टेम्पल कहाँ पर है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर इसका देखते हैं। द टेम्पल इज लोकेटेड इन धरनीकोटा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कैपिटल इसकी अमरावती। काकाती देवी की अगर मूर्ति की बात करूं तो वो पद्म आसन में है, यानी कि बैठी हुई है, उनके 8 हाथ हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पोजेस देनी है, ठीक है, और ये जो आइडल है ये कंटेम्प्रेरी है काकातिया पीरियड का काकाती देवी टेम्पल। अब काकातिया डायनेस्टी क्या थी भैया, ये डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में रूल कर रही थी, कहां पर, आंध्र प्रदेश में रूल कर रही थी, किस टाइम पे, 12th सेंचुरी CE। काकातिया डायनेस्टी कहां से कहां तक थी, तेलंगाना में, रूल फ्रॉम वरंगल तेलंगाना में। ग्रेट इटालियन ट्रेवलर, एक इटालियन ट्रेवलर थे मार्को पोलो, वो काकातिया किंगडम में गए भी थे, किसके टाइम पे, रुधर्मा देवी के टाइम पे, और इन्होंने इनके बारे में बताया भी। दे वर नोन फॉर द, ये जाने जाते थे अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ टैंक्स एंड इरीगेशन, इरीगेशन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया, पानी के लिए इन्होंने बहुत काम किया, यानी कि स्वच्छ पानी के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करे। हाँ जी, बड़ी बड़ी किताबों में काकतीय डायनेस्टी के बारे में सिर्फ बहुत थोड़ा सा मेंशन है, सिर्फ एक शब्द लिख के छोड़ दिया गया है, एंड यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया है। मैं लिटरली लास्ट कुछ टाइम में इतने टॉपिक्स देख चुका हूं कि मेरे को याद ही नहीं आ रहे, ठीक है। काकतीय डायनेस्टी के बारे में और बात करें तो यहाँ पे 100 ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मेरा पेन कौन चल नहीं रहा है, चल गया। 100 ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं, किस किसने बनवाए थे जो स्पेशल काकतिया किंग्स थे, लाइक गणपति देवा, रुधर्मा देवी, इन सब ने। कुछ फेमस टेम्पल काकतिया डायनेस्टी के, जिसमें सबसे पहला है 1000 पिलर टेम्पल, 1000 पिलर टेम्पल, ठीक है, इसे रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, तेलंगाना में है। ये स्टार शेप्ड में है, स्टिलेट, याद करो हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है, ट्रिपल श्राइन है, ठीक है, और किसे डेडिकेटेड है, विष्णु शिवा एंड सूर्य को। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रामप्पा टेम्पल वरंगल तेलंगाना, ये कैपिटल बना कुतुब शाही डायनेस्टी का आगे चल के। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है, जो कि बनवाया गया काकातिया रूलर्स द्वारा। नाउ आजाद हिंद गवर्नमेंट, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, आजाद हिंद गवर्नमेंट इट वॉज स्टैब्लिश बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1943 एट सिंगापुर। आजाद हिंद गवर्नमेंट क्या थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट कर दी। बोस ने कहा कि एक अलग से गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ये है, यानी कि इन्होंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट ये है, ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट है जो हमारी है, यानी कि अपनी गवर्नमेंट को इन्होंने देश की गवर्नमेंट कहा, एक पैरेलल गवर्नमेंट तैयार कर दी।
यानी कि स्टैब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943 सिंगापुर। किनकी मदद से करी? एक्सिस पावर लाइक जापान, जर्मनी, इटली, इनकी पावर से करी थी, लेकिन ये आगे चल के खुद ही हार गए। इसे किस पार्टी को कहा जाता था? अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, यानी कि अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद इसको ऑल कहा जाता था। और क्या चीज है बोस? सुभाष चंद्र बोस की यार आइडियोलॉजी को लेकर बहुत लोग टारगेट करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी थी, सुनते नहीं थे किसी की और थोड़े से गुस्से वाले थे, इनके ऊपर अलग अलग कमेंट करे जाते हैं, लेकिन इनका बस सोचने का नजरिया अलग था। देखो, बोस को लगता था कि केवल और केवल आजादी पाने का एक ही तरीका है, वो है आर्म्ड स्ट्रगल। हमें युद्ध करना होगा, युद्ध करके इन्हें भगाना होगा, वही एक रास्ता है। वही जो हमारे ये थे, इन्हें लगता था नहीं, युद्ध की नीड नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं, युद्ध की नीड नहीं है, हम ऐसे ही हरा सकते हैं। अटक गया आई थिंक ओबीएस। ओके, मैं वापस आ गया, शायद आ गया ना वापस। आई थिंक अब सही हो गया, नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं पता चल रहा यहां से। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मुझे खुद ही पता चलता फाइन है या नहीं है। ठीक है, सो इनकी जो सोच थी, इनका कहना था कि भैया बिना आर्म्ड स्ट्रगल के, बिना हथियार उठाए आप युद्ध नहीं जीत सकते, बिना हथियार उठाए आप युद्ध नहीं जीत सकते। वही गांधी जी कहते थे हथियार उठाकर आप युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि गांधी जी का मानना था मींस एंड एंड्स, सुभाष चंद्र बोस की बात थी केवल एंड्स, मींस मैटर नहीं कर रहे। तो इन्होंने कुछ चीजें करी, द इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, इन्होंने अपने कुछ प्रिजनर्स को, आजाद कराया, और तो और उन्हें बहुत सारी पावर दी और उनके साथ मिलकर एक तरीके की आर्मी खड़ी कर दी। ठीक है, आजाद हिंद गवर्नमेंट का अपना एक कोड था, अपना एक सिविल कोड था, अपनी एक करेंसी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, जब भी ये बाहर निकलते उसके बाद रंगून चले जाते सिंगापुर, इन्हीं क्षेत्रों में घूमते रहते। और तो और जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई और एक्सिस पावर हार गई वर्ल्ड वॉर में, तो वहां ये सब कुछ खत्म हो गया, ओके, बोस इसके हेड थे, यानी कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मानते थे इस फॉरेन अफेयर्स में, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि भैया ये गवर्नमेंट भारत की सरकार है और मैं इसका प्रधानमंत्री हूं। इसके हेड थे कैप्टन लक्ष्मी, जो कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, ऐसे अय्यर जो कि पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा विंग के हेड थे, राज बिहारी बोस जो कि सुप्रीम एडवाइजर थे। सो बोस की जो डेथ हुई, वहां से आजाद हिंद जो गवर्नमेंट था, मूवमेंट था, इन सबका पूरी तरीके से एंड हो गया और एक्सिस पावर का भी एंड हो गया था। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे क्या है? ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक जो सेलिब्रेट होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या क्या किस किस तरीके से चल रहा है, कहाँ का स्टैटिक्स क्या है। ओके, इसकी जो थीम थी 2020 की, थीम दी गई कनेक्टिंग द वर्ल्ड, विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, यानी कि हमें पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट तो करना है डेटा से, लेकिन केवल उस डेटा पे जिसपे हम विश्वास कर सके, ठीक है। 20 अक्टूबर 2020 में सेलिब्रेट किया गया, किसके अंडर में हुआ? ऑर्गेनाइज्ड विद द गाइडेंस ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के ये शुरुआत हुई थी 2010 में। बेसिक पॉइंट्स हैं, दिस आर वेरी बेसिक पॉइंट्स। ओके, 2050 में जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि इसे हम एक डेजिग्नेटेड डे बना देते हैं, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। सो वर्ल्ड स्टैटिक डे बनाया जाता है, बट ये साल 5 में एक बार बनाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 में एक बार बनाया जाता है। ज्यादातर जो दिन है वो हर साल बनाए जा रहे हैं, कुछ इवेंट्स है हर साल हो रहा है, यानी कि ये एनुअली नहीं है, ये 5 में एक बार होने वाली चीज है। नाउ नेक्स्ट, जैकिंडा आर्डन, कौन है ये? न्यूजीलैंड के अभी पीएम है, दोबारा से इलेक्शन जीती है। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूजीलैंड की लोकेशन, सिर्फ न्यूजीलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तस्मान सी है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, इनके बीच में कुक स्ट्रेट है, ठीक है, बाकी
ये बे ऑफ प्लेंटी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, कौन कौन सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसकी लोकेशन को आप लोग एक बार एटलस में जरूर घुमाएं, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, न्यूजीलैंड। ओके, नाउ इजराइल एंड बहरीन, इनके बारे में हमने पढ़ा था, हिंदू में भी पढ़ा था। तो इसराइल और बहरीन ने अभी ऑफिशियली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करे अपने बीच में, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करे अपने देश में। बहरीन ने यह कहा कि हमारे देश में जितने भी साइनागॉज हैं, यानी कि जहां पे ज्यूइश पीपल पूजा करते हैं, जहां पे ज्यूस पूजा करते हैं, उन्हें हम ओपन रखेंगे, कहने का मतलब है कि इसराइल और बहरीन के बीच में अच्छे संबंध होते नजर आ रहे हैं। ये जो फोटो दिख रही है साइनागॉज की है, ये हॉवर्ड नहीं है, हैरी पॉटर वाला हॉगवर्ड है, आई थिंक हॉगवर्ड है ना, तो ये हॉगवर्ड नहीं है, हैरी पॉटर वाला, ये साइनागॉज है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि एक शुरुआत है कि दोनों देश आपस में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करेंगे और एक दूसरे के साथ पकड़ के चलेंगे। ओके, बहरीन बिकेम द फोर्थ अरब स्टेट टू एग्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। बहरीन में चौथा देश बनने वाला है जो इसराइल के साथ अब संबंध अपने अच्छे करने जा रहा है, इससे पहले जो किए हैं इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, इन देशों ने अच्छे संबंध करे हैं इसराइल के साथ। कुमार सशक्तिकरण योजना, करने से पहले जरा मेरे को जल्दी से यहाँ पे एक चीयर्स दो, मेरे को पता चले कौन कौन यहाँ पे अभी अवेलेबल है। जल्दी से यहाँ पे एक चीयर्स दो, आई रियली वॉन्ट टू नो कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, आई रियली वॉन्ट अ ग्रेट एनर्जी, मेरे को दोबारा से इस क्लास में एनर्जी चाहिए। सफेद आदमी, कौन सफेद आदमी? मनीषा, या अल्लाह, और बाकी कहा? मनीषा वर्मा, आई रियली वॉन्ट एनर्जी, प्रेजेंट, आ जाओ, आ जाओ। कई बार पॉज लेना अच्छा होता है, व्हेन यू फील, लाइक ये बहुत बोरिंग हो रहा है, समटाइम्स इट्स बेटर टू टेक द पॉज, सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, कुमार सशक्तिकरण योजना, ये क्या है बॉस? ये हमारी लॉन्च हुई 2018 में, 2018 में। जितने हमारे कुम्हार हैं, जो कुम्हार होते हैं ना, वो मटके वटके बनाने वाले, उन्हें सशक्त करना है, इतना सशक्त करना है बस, रिवोल्ट को, रिवोल्ट कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने की संभावना ना पैदा हो बस। टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द लिविंग ऑफ वाटर्स, यानी कि हमारे देश में इनकी स्थिति को स्ट्रेंथन किया जाए, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोवाइडिंग पॉटर्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, हम पॉटर्स को नए नए इक्विपमेंट्स देंगे, यानी कि ट्रेनिंग देंगे, नए नए साइंटिफिकली जो इक्विपमेंट्स न्यू है उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट हमारे यहाँ पे रिकनेक्ट हो पाए, यानी कि इन लोगों को दोबारा से सशक्त किया जाएगा, इनकी जो कोई प्रेस्टीज है वो इन्हें वापस दिलाई जाएगी, अब इनके मटके करोड़ों में बिक जाएंगे, कुछ इस तरीके की चीजें हम लोगों ने सोची हैं, कुछ इस तरीके की चीजों का टारगेट हमने रखा है। ओके, ऐसे कराने वाले जो लोग हैं, KYIC क्रिएटेड द प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स, बनाए हैं, टाइड अप किया इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि प्रोडक्ट और पॉटर्स को इजिली पूरे इंडिया में घुमाया जा सके। प्रॉपर ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सारे इक्विपमेंट्स का, लाइक ऐसी ऐसी इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जो मटके बनाने में, मदद करे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस लेड टू द इंक्रीज इन द इनकम, बढ़ना यानी कि पॉटर्स की इनकम भी बढ़ेगी। न्यूज में क्यों है? इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, ये महाराष्ट्र में आई थिंक दिया गया है, जी हाँ, महाराष्ट्र में दिया गया है। सो इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स अभी 100 पॉटर्स को दिया गया, सो दैट ये जल्दी जल्दी मटके बना सके। फिर आपने अभी 2 मिनट पहले नाम सुना KYIC का, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्या है ये बॉस? ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है, किसके अंडर में? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के। KYIC इज चार्ज विद द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी रूरल एरियाज के लिए इस तरीके के काम होते हैं उसके प्लानिंग वगैरह करने का काम कौन करता है? KVIC। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
किसके अंदर काम करता है? एमएसएमई के अंडर में। अच्छा आप मेरे को बताओ, आपको इससे पर्सनली क्या प्रॉफिट नजर आ रहा है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना से आपको पर्सनली क्या प्रॉफिट नजर आ रहा है? हमारे देश के लिए किस तरीके का भला ये कर सकता है? मेरे को नीचे चैट बॉक्स में भेजो, मैं देखना चाहूंगा क्या क्या आप लोग लिखते हो। नाउ कम टू द बूंदी। बड़ा खूबसूरत शहर है ये बूंदी, ठीक है। बूंदी बहुत एक खूबसूरत शहर है। अभी रिसेंटली एक वेबिनार हुआ, अपना देखो दे देखो अपना देश के अंडर में, ठीक है। यहां पर बात करी गई कि जो बूंदी हमारा शहर है, लोग इसकी हेरिटेज को भूल गए हैं, लोग इसके आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से भूल गए हैं, तो इसे लोगों को याद दिलाना है। तो ये एक तरीके से राजपूतों की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, इससे याद दिलाना। इट इज एन ईस्ट वाइल कैपिटल ऑफ हाडा। हाडास की भी कैपिटल होती थी, चौहान्स की। एंड राजपूत को जो ये एरिया था, इसे हदौती कहा जाता है। कहां पर है ये? राजस्थान में। सो बूंदी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बूंदी राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जो कि अभी न्यूज में आया। ओके, बूंदी को हम सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहते हैं, एक शहर जहां पे बहुत सारे सीढ़ियां उतर के कुएं बने हुए हैं। ब्लू सिटी भी कहते हैं, इवन छोटी काशी भी कहते हैं, इवन छोटी काशी भी हम इसे कहते हैं। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं बूंदी के, जरा देख लेते हैं। एक है हमारा तारागढ़ फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राव राजा बैर सिंह। डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट अगेन। देन आता है सुखमेल, अ स्मॉल टू स्टोरीड प्लेस वाज अ समर रिट्रीट पासूलर्स, यानी कि एक छोटा सा टू स्टोरीड प्लेस है। इसकी फोटो देखो आप, ये देखो कितने सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, कितनी सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे तक जाने के लिए। हमने हम्पी भी किया था, ठीक है। मनी सर्कुलेशन होगा, टाइम बचेगा। एमएसपी सेक्टर में बहुत इतने कुछ नहीं नीड है, मोर इनिशिएटिव। ओके, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला जो हमारा था कुम्हार सशक्तिकरण योजना के आपको क्या बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, तो हालांकि आप कुछ ऐसे खास बेनिफिट्स लिख नहीं पाए हैं इससे, बस आप अपने सिलेबस की पार्ट्स लिखा करो। कहने का मतलब है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना, अपने सिलेबस के पार्ट उठाया करो। लाइक हमारा कल्चर रिवाइव होगा, हमारी आर्ट प्रमोट होगी, इस तरीके से चीजें लिखनी है। यानी कि जो आप लिखते हो बहुत जनरल है, जो आप लिखते हो बहुत जनरल है, ठीक है। फिर हमारी आती है रानी की बावरी। रानी की बावरी, रानी की बावरी हमारी कहाँ पे? कुछ लोग कहते हैं गुजरात में है, बिल्कुल है, गुजरात में भी है। तो रानी की बावरी जो कि एक क्वींस स्टेपवेल है, ये 1699 का रानी नौटियाल सिंह, ये भी जयपुर में ही है, ये भी जयपुर कह रहा हूँ, सॉरी राजस्थान में ही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इनका एक स्पेशल आर्किटेक्चर है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव। ये अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि चाइल्ड केयर लीव। अब पापा को भी छुट्टी मिल जाएगी बच्चों के लिए, पापा को छुट्टी मिल जाएगी बच्चों को पालने के लिए। पहले केवल मम्मियों को पालना पड़ता था, मम्मी पापा को कहती थी कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं, घर पे धमाला नहीं जाता है। तो अब पापा को भी मिल जाएगी, लेकिन 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 मम्मियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल उन्हीं पापा को मिलेगी जो अकेले पापा है, सिंगल पापा को। यानी कि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि अब मेल एम्प्लॉयज को भी हम छुट्टी देंगे, मेल एम्प्लॉयज को भी, यानी कि जो गवर्नमेंट मेल एम्प्लॉयज हैं इन्हें हम चाइल्ड केयर लीव देंगे, चाइल्ड केयर लीव देंगे, लेकिन केवल और केवल उनको देंगे जो सिंगल मेल पेरेंट है, जो सिंगल मेल पेरेंट है, सबको नहीं मिलेगा, तो सिंगल मेल पेरेंट को ही छुट्टी मिलेगी। इसमें कौन कौन से आते हैं सिंगल मेल पेरेंट्स? विडोवर्स जिनकी वाइफ की डेथ हो गई हो, डिवोर्सी जिनकी वाइफ चली गई हो, इवन अनमैरिड में, देयरफॉर बहुत सारे जो सिंगल हैंडेड पेरेंट्स हैं उसमें जो मेल हैं उनके लिए बनाई गई है चाइल्ड केयर लीव। इसके अंदर कुछ अजीब अजीब चीजें हुई। पहली, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव में आपको छुट्टी मिलती है वो 100% मिलती है स्टार्टिंग के 365 दिन। यानी कि अगर 365 दिन, 365 दिन आप चाइल्ड केयर लीव लेते हो तो आपकी 1 रुपए की भी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन अगर आप 365 दिन से ज्यादा लेते हो, अगर आप 365 दिन से ज्यादा लेते हो तो 80% आपकी सैलरी, ठीक है, 80% आपकी जो सैलरी है वो काटी जाएगी, 80% लीव सैलरी आपकी काटी जाएगी। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग के 100 डेज कोई सैलरी कट नहीं है, उसके बाद है, यानी कि 100 दिन की छूट दी है सरकार ने। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चा डिसेबल है, सपोज बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की कोई दिक्कत है, ठीक है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम है
तो ऐसी स्थिति में पहले ये होता था कि वो बच्चा जब तक 5 या 10 साल का तब तक है, नहीं सॉरी, पहले केवल 22 साल तक होता था, लेकिन अब किसी भी एज तक हो गया है, अब एनी एज पे आ गए हैं, अब किसी भी एज पे बच्चा अगर आपका 50 साल का भी है और वो डिसेबल है तो आप छुट्टी ले सकते हो। और पहले केवल 22 साल तक होता था, पहले केवल और केवल 22 साल तक होता था। फैनी ब्रिज, फैनी ब्रिज ये कि आप देख रहे हो कहां पर है, इसकी फोटो है, नहीं है फैनी ब्रिज की फोटो, नहीं फैनी ब्रिज फोटो, फोटो कह रहा हूँ, फैनी ब्रिज जिसे मैत्री सेतु भी कहते हैं चट्टोग्राम में, ये ब्रिज जो है बनाया जा रहा है फैनी नदी के ऊपर, ये कनेक्ट करेगा त्रिपुरा और चित्तागांव को, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करेगा फैनी ब्रिज। हमने कल भी रात को सेवस में लिखा था, उसमें लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉस, कितना कौन सा, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम याद नहीं कर सकते, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए फैनी ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है, फैनी ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यहाँ आगे आ गया क्या मैं, हाँ त्रिपुरा से चित्तागोंग तक है, तो यहां तक है हमारा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ब्रिज है कंस्ट्रक्ट कौन करा रहा है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मेरा पेन फिर खो गया। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखे हैं जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम टू द लीबिया, नाउ कम टू द लीबिया, लोकेशन देख सकते हैं हम लीबिया की, अभी अभी हमने देखी थी मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ, ठीक है। So, क्या है कैसे है, बॉर्डर किन किन देशों से हो रहा है, बॉर्डर हो रहा है मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट, सुदान, साउथ सुदान, जितने भी लोग ये वाले जो पोर्शन को कहते हैं ना, जो वाले व्यक्ति ये वाले पोर्शन कहते हैं यार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बहुत आसान चीज है ये है वो है, भैया नहीं, यूपीएससी में आता है और आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से इसे आपको पढ़ना होगा। ओके, लीबिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, 16th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 10th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व, ऑयल रिजर्व भी काफी अच्छा है कहां पर, लीबिया में। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, मोदी जी यहां पर गए भी थे, इनके पैरों पे फूल चढ़ाकर आए, सो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है इनके 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 बर्थडे पे। क्या किया जाता है बॉस, इनके बर्थडे बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी रह चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने बहुत सारी कमेटीज को हेड किया है, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड का एरियाज, प्रोविंसल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सारे इन्होंने कहीं ना कहीं हेड करे हुए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेटेड द फार्मर्स कॉज, फार्मर्स के कॉज के लिए उन्होंने आवाज उठाई, लाइक खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ये सारी चीजें। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी सारे देश जो हमारे राज्य थे जो कि मना कर रहे थे अलग होने से, उन्हें भारत में मर्ज करके दिखाया, चिपका कर दिखाया। इनके आइडियाज की कोई रेलेवेंस है आज के टाइम में, बिल्कुल है। इन्होंने लोगों को कहा था कि आप लिव टुगेदर रहो, यानी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी ने कहा है वो अलग था, इवन आत्मनिर्भर भारत का मोटिव भी इन्हीं का ही था, आत्मनिर्भर भारत का मोटिव भी इन्हीं का था, यानी कि इन्होंने आत्मनिर्भर भारत भी नाम दिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, ठीक है ना, पूरी जिंदगी इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया अपनी, सिंपल सोबर, कोई ज्यादा कुछ खास बड़े बड़े काम करे नहीं, बड़े बड़े काम बहुत बड़े बड़े करे लेकिन बहुत साधारण जीवन बिताया, बड़े काम से मतलब है फालतू के काम नहीं करे। रानी लक्ष्मीबाई कहां से आ गई, अच्छा जी मैं कहूं अपने ही लगे हो तुम लोग। ओके, एजेंसी, एजेंसी अभी रिसेंटली यहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखने को मिला,
ओके, मैं आ गया हूँ। इज इट रनिंग या पता ही नहीं चल रहा है। ना आ गया ना मैं। हाँ आ गया, फाइनली मैं आ गया। आ गया यार, मुझे खुद ही पता नहीं चलता मैं आ गया हूँ या चला गया हूँ। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं टेक्नोलॉजी में वैसे ही इतना वीक हूँ, और ये मेरे को नई नई चीजें और कराता रहता है, नई नई चीजें और सिखाता रहता है। ठीक है। हाँ यार, लिटरली आई रियली वॉन्ट टू यूटिलाइज दिस टाइम। हमें आज रिविजन करना था, अगर ये नहीं हो पाता तो मैं बहुत रोता। चलो, हम लोग कहाँ पे थे बॉस? हम लोग थे एजेंसी पे। यू नो व्हाट, करंट अफेयर्स के रिवीजन करना एक वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बोरिंग लगता है कई बार, तो बच्चे से करते नहीं है। इवन मेरे को पढ़ाते में लगता है कि यार थोड़ा सा बोरिंग है। चलो, कहाँ पर है ये हमारा? इट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रीक पेनिनसुला और एशिया माइनर। जो इसकी लोकेशंस आप देखिए, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन, ये एक ऐसी लोकेशन है जो यूपीएससी को पसंद है। ठीक है, जो यूपीएससी को पसंद है कि हमें ये पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन। ठीक है, कनेक्टेड थ्रू दार्डन्स, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी। छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, डेसेंसी आइलैंड्स, रोडेज, सी ऑफ मरमरा, डार्डन स्ट्रेट, ठीक है, थेमाइका गल्फ, थार्शियन सी। ये सारे वो नाम है, ये सारे वो नाम है जो किताबों में नहीं है। यूपीएससी को ऐसी चीजें पसंद है, यूपीएससी को ऐसी चीजें पसंद है। ठीक है, आज वेदर गंदा नहीं है, ठंड बहुत है। ओके, डेयरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भैया प्रूफ मिला है कि वहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स थे, वहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स थे। चलो ठीक है, कैसे है? अभी कुछ रेसिड्यूज, कुछ पॉड्स वगैरह को रिसर्चर्स ने देखा तो पता चला कि भैया डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता था, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। क्या बात है, इतनी जबरदस्त चीज। हाँ जी, यानी कि ये पता चलता है कि वहां पे रूरल इकोनॉमी भी थी। आईवीसी पूरी तरीके से एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी विकास था पूरी तरीके से। तो शहर के लोग तो ट्रेड पे थे, ठीक है ना, शहर के लोग तो पूरी तरीके से ट्रेड पे थे, बिजनेस में थे। ठीक है, लेकिन जो बाकी गांव के लोग थे वो पेस्टोरलिज्म, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पे सारे काम कर रहे थे, इन सब पे काम चल रहा था। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला कोतड़ा भदली से। कोतड़ा भदली आज के समय में गुजरात में जगह है। कोतड़ा भदली, मैंने हिंदी में भी कोतड़ा भदली इसलिए लिखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोतड़ा भदली कहाँ पर है, क्या है। ओके, सो क्या हड़प्पन से डेयरी अपने हाउस होल्ड के लिए यूज करते थे? आंसर इज नो। ठीक है ना, वो केवल और केवल हाउस होल्ड के लिए यूज नहीं करते थे। ऐसा प्रूफ मिलता है कि उन्हें सरप्लस था उनके पास, ये इसका व्यापार करते थे, यानी कि इसमें भी ट्रेड हमें देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड करना है बॉस, ट्रेड करना है। नेक्स्ट, खादी ओक्साका। ये अभी रिसेंटली हमारे ओआ है ना, क्या कहते हैं, ओहा हका, ये रहा इसका प्रोनाउंसिएशन, मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन ओआ हका। हाँ, ओआ हका। ये अभी हमारे पीएम साहब ने अपनी स्पीच में इससे कंपेयर किया कि भारत की खादी ओआ हका जैसी खादी, पता नहीं क्या क्या बोला, तो हमें ओआ हका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं ओआ हका क्या है। भैया ये मैक्सिको में, मैक्सिको का एक फेमस खादी प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है मैक्सिको के ही कुछ छोटे से एरिया में रहने वाले लोग। ये जो लोकेशन है देखो, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ओआहाका एक छोटा सा आइलैंड है, यहीं के लोग अपने आप ही लगे होते हैं, अपने आप ही उगाते हैं, अपने आप ही भेज देते हैं, यानी कि फार्म टू गार्मेंट। 400 फैमिलीज मिलकर इसे कंप्लीटली बनाती हैं साउथ मैक्सिको में, ओआहाका। ठीक है, शुरुआत किसने करी थी? मार्कोस ब्राउन ने शुरुआत करी थी मैक्सिको में। ठीक है, और क्या चीजें हैं? ये कॉटन को यूज करते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे ओआहाका कोस्ट पे खादी बनाते हैं। तो यूजुअली ये अपने यहाँ के लोग ही यूज करते हैं, अपने यहाँ के लोग ही बनाते हैं, अपने यहाँ के ही सारा काम करते हैं, बाहर कुछ नहीं करते। हाँ यार, ये कुछ भी बोल देते हैं, हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। नाउ, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक बेहतरीन, इम्पैक्टेबल पर्सनालिटी। सर सैयद अहमद खान
इनका बर्थडे आता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को इनका बर्थडे आता है। ये वाली न्यूज हिंदी में भी अच्छा है। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817 में, 1817 में, ठीक है। मुगल कोर्ट से जुड़ी हुई एक फैमिली में, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिनका लेना देना मुगल कोर्ट से, मुगल दरबार से था। ये एक मैन थे जिन्होंने बहुत सारे काम करे, लाइक सिविल सर्वेंट रहे, जर्नलिस्ट रहे, एडुकेशनिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, हिस्टोरियन रहे, तो इतने सारे काम इन्होंने करे हुए, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी सर्व किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले ये ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते थे, तो उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा। पैम्पलेट क्या होता था पहले के टाइम पे, एक पर्चे पे कुछ लिखा जाता था, फिर उस पर्चे का प्रचार किया जाता था। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, भारत में जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये पहले और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए अच्छी एडुकेशन अपॉर्चुनिटीज को कर की बात करी थी। ये कहते थे कि मुस्लिम्स को थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहिए, मुस्लिम्स को साइंस एंड टेक पढ़ना चाहिए, यानी कि मुस्लिम एडुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी सर सैयद अहमद खान द्वारा। इनका मानना था कि मुस्लिम्स केवल तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब मॉडर्न एडुकेशन लेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न एडुकेशन, देखो रिलीजियस एडुकेशन बहुत अच्छी चीज है कि आपको अपने धर्म के बारे में सारी जानकारी है, लेकिन जब तक आप नई शिक्षा नहीं लोगे पूरे वर्ल्ड में कॉम्पीट कैसे करोगे? साइंस टेक की नहीं लोगे, ठीक है ना, तो वर्ल्ड में कॉम्पीट भी तो करना है ना, सर्वाइव भी करना है बड़े लेवल पे, और अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ही स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया। ही ऑल्सो पुश सोशल रिफॉर्म्स, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को भी प्रमोट किया, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्पीचेस दी, डेमोक्रेटिक के लिए बहुत सारे, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बातें करी, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। ये रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ थे, जो धार्मिक लेवल पे होता है कि तेरा धर्म अलग मेरा धर्म अलग, इस सब चीजों के ये खिलाफ थे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, किसी एक कम्युनिटी को इग्नोर कर देते हैं, इनका डेवलपमेंट नहीं करते, ये सारी चीजों के विरुद्ध में थे। इन्होंने पर्दा सिस्टम का पूरी तरीके से विरोध किया, पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा विवाह करने पर विरोध किया, और तो और डिवोर्स के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई कि डिवोर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा बदला जाए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक मैगजीन थी जिसका नाम था तहजेबुल अखलाक, तहजेबुल अखलाक जो कि इन्हीं की थी, इनकी सर सैयद अहमद खान की, सर सैयद अहमद खान की तहजेबुल अखलाक। नाउ येलो डस्ट, येलो डस्ट इस समय कोरिया में आई हुई है। येलो डस्ट क्या है? पूरा शहर येलो येलो हो जाता है, पूरा शहर येलो येलो हो जाता है, डर्टी फेलो। लेकिन येलो की गलती इसमें कोरिया की कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कोरिया की कोई गलती नहीं है इसमें बॉस, कोरिया की नहीं है, क्योंकि गलती कहां से है? गलती है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट चाइना का एक डेजर्ट है, मंगोलिया में, चाइना का एक डेजर्ट है, जो कि हर साल अक्टूबर के महीने में यहां से अपनी मिट्टी उड़ाता है, हर साल अक्टूबर के महीने में यहां से अपनी मिट्टी उड़ाता है, और वो मिट्टी उड़ा के ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, ठीक है, और पूरा शहर पीला 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 हो जाता है। तो जो गोबी डेजर्ट की जो पीली मिट्टी होती है वो घूमती हुई जाती है, ठीक है, यानी कि एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें जो मिट्टी है डेजर्ट से, चाइना के डेजर्ट से, मंगोलिया के डेजर्ट से उड़ती हुई जाती है नॉर्थ और साउथ कोरिया। ये सैंड बाकी सारे मिक्स पार्टिकल से भी मिलती है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, और ये और भी ज्यादा हानिकारक हो जाती है, ठीक है, और भी ज्यादा हानिकारक हो जाती है। यानी कि इसी के चलते अभी कोरिया में लोगों से ये कहा गया कि आप अपने घर से बाहर ना निकले। कोरिया वाले कह रहे होंगे पहले कोरोना बाहर ना निकलो, अब येलो डस्ट बाहर ना निकलो, तो भैया हम अंदर ही रह लेते हैं, हम अंदर ही रह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए अभी न्यूज में आया था कि कोरिया ने अपने देश के लोगों से विनती करी कि भैया आप घर में रहें। ओके नेक्स्ट है लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, या आई थिंक गूगल वाला था, हाँ मेरे को थोड़ा बहुत याद आ जाता है। रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ये एक चलाया गया है प्रोग्राम जिसमें नेशनल म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर ने मिलकर चलाया। गूगल आर्ट एंड कल्चर यानी कि गूगल पे आप सारे मिनिएचर्स को देख सकते हैं जो भी हमारे नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, यानी कि सेवरल हंड्रेड मिनिएचर्स पेंटिंग्स फ्रॉम नेशनल म्यूजियम कैन बी व्यूड, इन्हें देखा जा सकता है ऑनलाइन गूगल आर्ट एंड कल्चर के प्लेटफॉर्म पर। हिंदी में ये पूरी चीजें लिखी है,
है, मैं कुछ कुछ क्लासेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब मैं थक गया था तो छोड़ दी। थक क्या गया था, ट्रांसलेशन से मतलब बदल जाता है। ठीक है, ओके। यूजर्स यानी कि जो यूजर्स है वो इजिली आप देख सकते हैं फेमस मिनिएचर्स का कलेक्शन जो हमारे नेशनल म्यूजियम में है, लाइक रामायणा, रॉयल सागा, पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग्स, इन सबसे जुड़े हुए जो भी मिनिएचर्स रखे हैं उन्हें अब इजिली देखा जा सकता है ऑनलाइन। सो फाइनली वी हैव डन विद द जीएस पेपर 1, फाइनली हमने एक कवर कर ली। हाँ, वो बात सच है, ये क्लास हमेशा 3 घंटे की ही होती है, हम 2 घंटे में थक के भाग जाएंगे, फिर 1 घंटे वाली बाद में खींचेंगे। अरे ये क्या हो गया, इतने पीछे कैसे आ गया। ओके, सो जीएस पेपर 2 नेक्स्ट। सबसे पहली न्यूज जीएस पेपर 2 में, एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा। एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा, अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस, यूएस की पोस्टल सर्विस, ये सब मिलके एक एग्रीमेंट में आए जहां पे इन्होंने ये कहा कि हमारा जो भी कस्टम डेटा है, इधर से उधर जो सामान जा रहा है, उधर से इधर जो सामान आ रहा है, इन सब के डेटा को हम प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इसे एक्सचेंज करेंगे, हम लोग इसमें काम करेंगे, यानी कि हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे सारी इंफॉर्मेशन। तो इससे हेल्प क्या होगी, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट इजी हो जाएगा। जो स्मॉल और लार्ज एक्सपोर्टर्स हैं वो इजीली एक ही चैनल के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। और तो और सरकारों के पास पूरी डेटा की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, हम सबके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ गलत ना हो जाए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा, इसको की ड्राइवर है, यानी कि यही चलाएगा, यही इस तरीके से पूरी तरीके से मैनेज करेगा। यानी कि सिर्फ इतना याद रखना, भारत और यूएसए के बीच में है, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, दैट्स इट। और क्या है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, यूएसए इज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया अपने जो सामान भेजता है बाहर, ज्यादातर यूएसए में भेजता है, तो यूएस हमारे लिए एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस विल फुलफिल अ मेजर डिमांड ऑफ द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फुलफिल द मेजर डिमांड ऑफ द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, यानी कि ये प्रोग्राम से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जितने भी इसमें बॉडीज हैं इन सबका फायदा होगा, सभी लोगों का प्रॉफिट ही होगा इसमें। नाउ सेकेंड एग्रीमेंट अगेन विद द यूएसए, बैका BECA, ये कॉम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, एक कॉम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, यानी कि इंडिया को काफी सारी मदद मिलेगी इसकी मदद से। क्या चीज है ये, सपोज इंडिया को, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मेरे से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहूंगा मुंबई रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, तो मैंने मुंबई बता दिया। अब मुंबई में कहाँ, मुझे कैसे ढूंढोगे, मुंबई में कहाँ कि मुझे कहाँ रहता हूँ। तो अब अगर मैं बताऊं कि मैं मुंबई में कहाँ रहता हूँ, मैं मुंबई में सपोज, मुझे कोई नाम ही नहीं पता मुंबई का, ठीक है, जुहू में रहता हूँ, सपोज मैं मुंबई के जुहू में रहता हूँ ना, जुहू में शायद शाहरुख खान रहता है, मुंबई में जुहू में रहता हूं, तो जुहू को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा बैका। यानी कि बैका इंडिया के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा मिलिट्री, जो इंडिया को प्रॉपर मदद करेगी एक्यूरेट लोकेशन जानने की, यानी कि कहीं अटैक करना है, कुछ भी करना है, एक्यूरेट लोकेशन जानने में मदद करेगा बैका। इंडिया ने तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं यूएस के साथ, यानी कि ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा इंडिया को कि हम जियो स्पेशल मैप्स को यूज कर सके, यानी कि प्रॉपर मैप्स को यूज कर पे और एक्यूरेसी देखने के लिए कि हमें जिस चीज पे काम करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। ओके, बैका मतलब चौथा एग्रीमेंट है, बेसिकली ऑलरेडी 3 एग्रीमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, इन 3 एग्रीमेंट्स के बारे में आई थिंक मैं लिखा है, हाँ जी लिखा हुआ है। क्या है ये, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिमोआ, लॉजिस्टिक, लेमोआ, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये भी यूएस के साथ ही है, यूएस के साथ है, कब साइन हुआ, 2016 में साइन हुआ था। ये दोनों ही देशों को अलाउ करता है कि आप एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जेमोआ, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 2002 में,
ये दोनों ही मिलिट्री को अलाउ करता है, दोनों देशों की यानी कि इंडिया और यूएस की देशों की आर्मी को डिसाइड अलाउ करता है कि भाई आप एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करें, आप एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करें यानी कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करें कि भैया कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। देन हमारा आता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये हमारा साइन हुआ 2018 में। यहां पर क्या है कि हम हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट यूएसए से यूज कर सकते हैं, ठीक है, बदले में हमें भी उसे देना पड़ेगा, यानी कि हम एक हाईली सेंसिटिव इसे यूज कर सकते हैं, बदले में हमें भी इसे देना पड़ेगा। सो कहने का मतलब है वी कैन इजिली यूज दिस फॉर फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड पोलियो डे। द WHO डिफाइंस पोलियो, ठीक है, इसे एक बहुत ही हाईली इंफेक्शियस वायरल डिजीज माना गया, विच मेनली इफेक्ट यंग चिल्ड्रंस, विच मेनली इफेक्ट यंग चिल्ड्रंस, विच मेनली इफेक्ट यंग चिल्ड्रंस। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन, बाय पर्सन टू पर्सन। जस्ट अ सेकेंड, यार फिर टकराइए।